शासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का जनपद पुलिस कड़ाई से पालन करवा रही है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि आंशिक कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए महानगर में 41 चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं तथा उन चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक निकल रहे लोगों के वाहनों का चालान कर जुर्माना वसूला जा रहा है। एसपी सिटी ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ही खोलें। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों को दुकान खोलने की परमिशन नहीं है, ऐसे दुकानदारों के दुकान खुले पाए जाने पर 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान महानगर में अम्बेडकर चौक, आरटीओ चौराहा, शास्त्री चौक, गोलघर मार्केट, हरिओम नगर चौराहा, चेतना तिराहे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई एवं आंशिक कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए लॉकडाउन को लेकर के 41 चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग चल रही है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन भी चल रहा है और हर जगह चेकिंग की जा रही है। जो भी सीओज हैं उनको क्षेत्र में भ्रमण शील रहने को कहा गया है। वाहनों का चालान किया जा रहा है, गाड़ियां सीज की जा रही हैं, जो लोग बेवजह निकल रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो लोग दुकान खोल रहे हैं, देखिए जनता से अपील ये की गई थी कि सुबह 6 से 10 और शाम को 5 से 8 बजे के बीच ही किराने की दुकान या फल सब्जी के ठेले वगैरह लगाएं और इनका वायलेशन ना करें। इसके अतिरिक्त जिन दुकानों को अलाउ नहीं किया गया है, अगर वो लोग खोल रहे हैं तो उस पर 188 का मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। जो अनावश्यक निकल रहे हैं उनके भी, उनके खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।